It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपर कॉल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा स्किन टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग टोनर शेयर करने जा रही हूँ। एंड यस, इस कॉन्कॉक्शन को आप पी भी सकते हैं, जो कि आपको अंदर से भी डिटॉक्स करेगा और बाहर से स्किन पे भी। बेनिफिट्स अभी जान लेते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा है कि आपके पैसे तो बचेंगे। जितनी भी मेरी फेवरेट ब्रांड्स हैं, जैसे फॉरेस्ट एसेंशियल्स, काम आयुर्वेदा, उसमें जो इंग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं, बिल्कुल मार्केट की टक्कर का बनेगा, बट पैसे बहुत कम। तो चलिए, पहले मैं आपको बनाना बता देती हूँ, फिर मैं आगे फ़ायदे भी बताती रहूँगी। ये देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर रोज पेटल्स ड्राई वाली मेरे पास पड़ी होती है, एक कप पानी में उबाल लीजिए, नहीं तो आप फ्रेश रोज वाटर भी ले सकते हो, मतलब जो बॉटल्ड रोज वाटर आता है। मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह से ना रोज पेटल्स ड्राई लेकर हमेशा फ्रेश बैच बना लेती हूँ। तो इसको 2 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए। इसी में आप डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन क्रीम्स में, उपटन्स में, महंगे महंगे में सौंफ बहुत ज़्यादा डलती है। सौंफ के साथ साथ एक और, मतलब इसमें 3 और इंग्रेडिएंट्स हैं जो अमेजिंग काम करेंगे। ये है स्टार एनीस, मेरे पास लास्ट ही बची थी। स्टार एनीस स्पेशली आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करते हैं। जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट एसेंशियल्स की जो आई क्रीम है, उसमें मेन हीरो इंग्रेडिएंट यही है। देन इलायची यूज़ कर रही हूँ, लॉन्ग एक एक और एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची। बेसिकली जैसे काम आयुर्वेदा की इलादी हाइड्रेटिंग क्रीम है ना, तो ये इला इलायची को ही कहते हैं संस्कृत में। तो ये बहुत ही स्किन को ब्राइटन करती है, फर्म करती है। लौंग आपको पता है एंटीसेप्टिक होती है, दाने वगैरह ठीक करेगी। तो इस कॉन्कॉक्शन को आप बॉईल कर लें। आई नो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, ऑफ कोर्स आयुर्वेदा में तो नेचुरोपैथी में कहते हैं जो चीज़ आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, वही लगानी चाहिए चेहरे पे। ठीक है, आप इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। और उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, मतलब विटामिन सी तो हमने ज़रूर डालना है ब्राइटनिंग के लिए, और दाग धब्बे हटाएगा और स्किन को जवान रखेगा, कोलेजन अच्छा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से, अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो लेमन पील पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो नींबू काट के या एक संतरे का छिलका भी डाल सकते हो फ्रेश। ठीक है, बस आप इसको 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए। जब 1.5 कप, मतलब जितना पानी है वो आधा बचेगा, तो आपका ये कॉन्कॉक्शन तैयार है। इसको आप छान लीजिए ठंडा करके, ये आपका बढ़िया सा टोनर तैयार है। इस टोनर से आप कई पैक्स भी बना सकते हैं, जो एंटी रिंकल्स, एंटी एजिंग होंगे, आपकी फाइन लाइंस वगैरह कम होंगी, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको आप डेफिनेटली पी भी सकते हैं, तो आपके अंदर से बॉडी को, टॉक्सिन्स को भी कम करेगा, डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को। तो आपके पोर्स की विजिबिलिटी कम होगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस कम होंगे, एक ब्राइटनेस आएगी, एक ग्लो आएगा। इसको जो बचे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, jsuper.com पे। तो जो बचा हुआ सामान है उसको कैसे यूज़ करना है, मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में शेयर करा है। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम jsuper.com पे ज़रूर फॉलो करें। अब ये जो कॉन्कॉक्शन बनी है, इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। आप एलोवेरा जेल नहीं डालना चाहते, आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो एलोवेरा जेल या क्यूकम्बर जेल डाल सकते हैं, खीरे का जेल। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ग्लिसरीन या फिर 1/2 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, ग्लिसरीन या शहद। ठीक है, तो ड्राई स्किन वाले ये काम कर लें, ऑयली स्किन के लिए बता दिया। खीरा बहुत अच्छा टोनर होता है, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बस इसमें थोड़ी सी रोज़ पेटल्स, मुझे फील बहुत अच्छी आती है। यही अगर मैं लेबल लगा के मार्केट में आपको मिलेगा तो बहुत महंगा, कम से कम 700-800 रुपीज़ का मिलेगा, बट आप घर पे ही बना लीजिए। एनीवेज, इसको अच्छे से, ऑब्वियसली स्टीम डिस्टिल वाली बात होती है, वो फिर कभी बात करेंगे, बट एनीवेज ये अभी आपके लिए तैयार है। इसको आप, अब आपको स्प्रे कब करना है, जब भी आप टोनर यूज़ करते हो, टोनर की जगह आप इसको यूज़ करो। बेसिकली ये आपका बढ़िया सा फ्लोरल वाटर बन गया है, और इसको आप सुबह, दोपहर, शाम एक हाइड्रेटिंग मिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इतनी अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, पसीना भी, स्पेशली अब मॉनसून आ गया है तो आपको पसीना भी बहुत आएगा, चिपचिप होगी, दानों का डर रहेगा, तो वो सबसे भी बचाएगा। तो ये आप एक अपने पर्स में रख लो कहीं जाते हो, अदरवाइज़ ये 2 और फ्रिज में आप रख लीजिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर लगाकर, इतना अच्छी खुशबू यार, एक तो मूड इतना रिफ्रेश हो जाएगा और एक ग्लो आएगा एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली ट्राई इट आउट, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, स्किन का टेक्स्चर बहुत अच्छा होगा। एंड या इसी बात पे लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भेजिए। अभी के लिए बाय।